हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी आर स्टडी पॉइंट। चैलेंजिंग सीरीज़ के डे 130 में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ का एक नया क्वेश्चन एवरेज पे बेस्ड करेंगे। तो बिना देरी के सवालों की ओर चलते हैं। जो लोग मेरे बारे में या डी आर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो देखो, हम लोग का क्वेश्चन क्या है आज का, क्या बोल रहा है। द एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन टेकन बाई 52 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 85। 52 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है वो 85 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा 52 गुने में 85, जो कि तुम्हारा है 4420। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ़ द स्कोर ऑफ द बेस्ट फाइव परफॉर्मर मतलब क्या, सबसे टॉप के जो परफॉर्मर थे आर नॉट कंसिडर, उन लोगों को नहीं लिया जाए, तो एवरेज ऑफ द स्कोर ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट फॉल्स बाई 2। एवरेज जो होता है 2 से गिर जाता है, यानी 85 था तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा 83 हो जाएगा, और 5 स्टूडेंट को हटा देंगे तो 52 में 5 चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 47 इंटू में। ये देखो 47 स्टूडेंट का सम दिए हुए है, ये 52 स्टूडेंट का सम दिया हुआ है, और इन दोनों को घटा देंगे तो 5 टॉपर्स जो थे उनका हमारा नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 52 इंटू 85 करोगे तो 4420 देगा, 47 इंटू 83 करोगे तो ये तुम्हें देगा 3901। ठीक है, और यही घटा दो तुम इसे तो घटाने के बाद ये तुम्हें देगा 519, और यही तुम्हारा जो है 5 टॉपर्स का क्या है नंबर है। ठीक है, तो अब देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है। इफ़ नन ऑफ द फर्स्ट फाइव हाईएस्ट स्कोरर इज नॉट बिलो 18, कोई भी जो फर्स्ट फाइव स्कोरर हैं वो 80 से कम नहीं है। ठीक है, एंड ईच ऑफ द फाइव टॉप स्कोरर हैड डिस्टिंक्ट इंटीग्रल स्कोर्स। ठीक है, कि हर एक 5 टॉपर्स को जो है अलग अलग तरह के नंबर मिले हैं, मतलब किन्हीं का भी नंबर सेम नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर, जो सबसे टॉपर है उसका मैक्सिमम स्कोर क्या होगा। तो मान लो जो टॉपर है उसका नंबर तुम मान लो एक्स। ठीक है, तो जब ये मैक्स के लिए तुम सॉल्व कर रहे हो तो इसका मैक्स लाने के लिए बाकी बचे जो 4 होंगे उन 4 टॉपर का तुमको क्या लेना होगा, सबसे कम लेना होगा। उन चारों टॉपर का नंबर तुम क्या ले सकते हो सबसे कम है, देखो 3rd एंड 4th। ठीक है, उन चारों टॉपर का तुम नंबर क्या ले सकते हो यहाँ से, कि किसी का भी नंबर 80 से कम नहीं है तो 80 से ही शुरुआत करते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए। इसको मैक्स लाने के लिए क्या करना होगा, इन सभी को जो है हम लोग को क्या लेना होगा, मिनिमम लेना होगा। तो इसको 80 लिया, चूंकि नंबर सबका अलग है तो इसको 81 ले लो, इसको 82 ले लो, और इसको 83 ले लो। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ से ये मालूम पड़ गया कि इन चारों का नंबर कुछ इस तरीके से है, तो अब तुम्हें क्या करना है कि इन चारों का और मैक्सिमम का जोड़ के किसके बराबर है 590। तो यहाँ से जोड़ दो 80 प्लस में 81 प्लस में 82 प्लस में 83। ठीक है, और प्लस में एक्स कर दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 519 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो, एक्स बराबर में क्या हो जाएगा 519 माइनस में ऐड कर दो 8 8 80 80, कितना हो गया 320, 3 2 5 और 1 6, यानी कि कितना हो गया 326। घटा दो यहाँ से, एक्स की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 193, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो लाया होगा टॉपर वो कितना लाया होगा, 193 ला सकता है, मैक्सिमम मार्क्स ला सकता है। ठीक है, लाया नहीं होगा, पॉसिबल बोला है। ठीक है, ला सकता है मैक्सिमम मार्क्स, वो कितना ला सकता है 193 ला सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं ला सकता है। ठीक है, और ये लाने का कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम इंस का ला टॉपर का लाने के लिए बाकी जो 4 टॉपर हैं उनका जो रेंज है उस रेंज में उन्हें क्या लेना है, मिनिमम लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आंसर जो है 193 है, एंड दैट्स योर आंसर।